أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। आज हम फिजियोलॉजी की लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, जो कि है एरिथ्रोपोयोसिस। एरिथ्रोपोयोसिस जो कि फिजियोलॉजी का एक अहम टॉपिक है और एग्ज़ाम लिहाज से भी, क्योंकि हमने कहा था कि हम एग्ज़ाम और कंसेप्चुअल बेस पे लेक्चर देंगे। तो एरिथ्रोपोयोसिस एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का तकरीबन फिजियोलॉजी के हर पेपर में आता है। तो बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए एरिथ्रोपोयोसिस का स्टार्ट करते हैं on the basis of exam and concept। What is erythropoiesis? Erythropoiesis is the process of the origin, development and maturation of RBC। Erythropoiesis वो process है जिसमें RBC की origin और development होती है, maturation होती है RBC के। Erythro means red blood cells, poiosis mean those process in which develop maturation and origin of RBC occur। इस process को erythropoiesis कहते हैं। homopoiesis and hematopoiesis किस चीज़ को कहते हैं? development and maturation of all blood cell। all blood cell में क्या आता है? WBC भी आता है, RBC भी आता है और प्लेटलेट्स भी आता है। लेकिन जब RBC की बात आ जाए, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ RBC की बात आ जाए, तो समझे कि ये क्या है, ये एरिथ्रोपोयोसिस है। फिर अगर सारे ब्लड सेल्स की बात आ जाए तो वो है होमोपोयोसिस और हेमेटोपोयोसिस। द स्टडी ऑफ ब्लड आल्सो कॉल्ड हेमाटोलॉजी, यू नो दैट अबाउट। व्हाट इज साइट ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस? एरिथ्रोपोयोसिस कहाँ पे होते हैं? फीटल लाइफ में कहाँ पे होते हैं? एडल्ट स्टेज पे, चिल्ड्रन स्टेज पे कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन फीटल लाइफ, मींस एंट्रा यूटराइन लाइफ। ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले मीजोब्लास्टिक स्टेज, ये फर्स्ट फेज है ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस को हम कहते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ एंट्रा यूटराइन लाइफ, सबसे पहले जो 2 मंथ होते हैं एंट्रा यूटराइन लाइफ पे, लाइफ के, इसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें तो आप लोग कमाल करते हैं। द RBC आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेसेनकाइमा ऑफ योक सैक। तो फर्स्ट जो 2 मंथ होते हैं एंट्रा यूटराइन लाइफ में, तो RBC कहाँ से बनता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेसेनकाइमा ऑफ योक सैक, यू नो दैट। बट आल्सो वी डिस्कस हेयर व्हाट इज मेसेनकाइमा ऑफ योक सैक। मेसेनकाइमा ऑफ योक सैक इज इन मेम्ब्रेनियस सैक अटैच्ड टू इन एम्ब्रियो। वो एक मेम्ब्रेनियस सैक होता है। मेसेनकाइमा ऑफ योक सैक एक मेम्ब्रेनियस सैक होता है जो कि एम्ब्रियो के साथ अटैच होता है। वहाँ से क्या बनता है? फर्स्ट 2 मंथ पे RBC बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनता है। सेकंड जो स्टेज है वो हेपेटिक स्टेज है। क्या स्टेज है? हेपेटिक स्टेज। हेपेटिक स्टेज फ्रॉम 3rd मंथ, 2 मंथ तो यहाँ पे RBC किस चीज़ से बना? मेसेनकाइमा ऑफ योक सैक से। लेकिन जब 3rd मंथ स्टार्ट हुई तो कहाँ से बना? लीवर इज द मेन ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द RBC। स्प्लीन एंड लिम्फाइड ऑर्गन आर आल्सो इन्वॉल्व। जबकि जब 3rd मंथ स्टार्ट हुई तो कहाँ से पैर बनता है? तो पैर बनता है स्प्लीन, जो कि फर्स्ट साइज आर्गन है एंड द अपर लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमिन, नेक्स्ट योर स्टमिच एंड बिहाइंड योर लेफ्ट रिब्स, यू नो दैट। बट ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया। लिम्फाइड आर्गन में आता है बोन नेरो स्प्लीन वगैरह। लिम्फाइड आर्गन से, स्प्लीन से, जो कि लिम्फाइड आर्गन में इंक्लूड है। लेकिन लीवर जो है वो मेन आर्गन है जो कि हेपेटिक स्टेज में क्या बनाता है? RBC बनाता है। जब 2 मंथ पे यहाँ पे मेसेनकाइमा ऑफ योक से बने, लेकिन जब 3rd मंथ स्टार्ट हुई तो किस चीज़ से बना? इसको हम कहते हैं हेपेटिक स्टेज। दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड हेपेटिक स्टेज एंड द मेन आर्गन इज हेयर लीवर। लीवर प्रोड्यूस द RBC एंड ऑल्सो इन्वॉल्व लिम्फाइड आर्गन। 3rd स्टेज है माइलाइट स्टेज। माइलाइट स्टेज ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ, फर्स्ट 2 मंथ एंड ड्यूरिंग द लास्ट, टोटल 5 हो गए, 4 बज गए
हेपेटिक स्टेज पे, यानी सबसे पहले दो मंथ कहाँ से बना, मेसेनकाइमा ऑफ योक सेक से, उसको हमने नाम दिया किया स्टेज मेसोब्लास्टिक स्टेज। और दूसरे यानी फ्रॉम थर्ड मंथ टू सिक्स मंथ कहाँ से बना, हेपेटिक स्टेज लीवर से मेन आर्गन एंड आल्सो इंक्लूड किया चीज़ लेम्पाइड आर्गन जो कि बोन नैरो और स्प्लीन इन्वॉल्व होते। लेकिन जब आखिरी थर्ड थ्री मंथ है, आप आखिरी थ्री मंथ है तो वो कहाँ से बनता है, स्टेज को हम माइलाइड स्टेज कहते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट थ्री मंथ ऑफ एंट्रा यूटेराइन लाइफ द आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड बोन नैरो मैरो एंड लीवर। तो आरबीसी प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो से और लीवर से। रेड बोन मैरो जो है वो जनरली टू है, मतलब बोन मैरो जो है वो जनरली टू है, एक रेड बोन मैरो है और एक येलो बोन मैरो है। रेड बोन मैरो जो के मुश्तमिल है आरबीसी डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट्स जो हम ऑलरेडी कहते हैं कि ब्लड सेल्स, और जो येलो बोन मैरो हैं कंटेन फैट एंड स्टेम सेल्स, उसमें फैट सेल और स्टेम सेल्स होते हैं जो कि कार्टिलेज और बोन वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे आरबीसी कौन बनाता है, रेड बोन मैरो जो हमने कहा भी और लीवर पे, यानी सबसे पहले मेसेनकाइमा ऑफ योक सेक ने दो मंथ बनाया, देन लीवर और लेम्पाइड आर्गन ने चार माह बनाया, फिर जब आखिरी तीन मंथ शुरू हुए तो किस चीज़ बना, तो कौन सी चीज़ बनाता है आरबीसी को, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करता है फ्रॉम कहाँ से, रेड बोन मैरो एंड लीवर से। ए न्यू बर्न बीबी ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, यहाँ पे आरबीसी आर ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो, यहाँ पे किस चीज़ से बनता है, ओनली फ्रॉम रेड बोन मैरो। अप टू द एज ऑफ 20 ईयर जब हम पैदा हुए, न्यू बर्न बीबी इसको कहता है जब पैदा होता है, जब पैदा होता है बच्चा तो तकरीबन 20 साल तक आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो। तो आरबीसी बनता है कहाँ से, रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो चाहे वो फ्लैट बोन्स हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो मेम्ब्रेनियस हो, तो 20 साल तक रेड बोन मैरो से बनता है आरबीसी। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर 20 साल के बाद क्या होता है, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो, मेम्ब्रेनियस बोन से बनता है आरबीसी। लाइक वर्टीब्रा जो है वो मेम्ब्रेनियस बोन है, स्टर्नम है, रिब्स हैं, स्कीपुला भी है। स्कीपुला एक लार्ज ट्राइंगुलर शेप बोन है दैट लाई इन द अपर बैक। स्कीपुला एक लार्ज ट्राइंगुलर शेप बोन है दैट लाई इन द अपर बैक, वहाँ से भी बनता है आरबीसी। फ्रॉम द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जो कि लॉन्ग बोन से उसकी एंड से भी आरबीसी बनता है। ये हुए न्यू बर्न बीवी ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट से कि वहाँ पे कब तक और किस चीज़ से बनता है आरबीसी। प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस, प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस, के एरिथ्रोपोयोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है। इसमें सबसे लेकिन हम उसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ टच देंगे कि कहाँ से बनता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो आता है वो इसी तरह आता है कि व्हाट इज़ एरिथ्रोपोयोसिस एंड आल्सो एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। स्टेम सेल्स क्या है, स्टेम सेल्स जो हैं वो बॉडी रॉ मटेरियल हम इसे कहते हैं, स्टेम सेल्स को हम बॉडी रॉ मटेरियल कहते हैं। वो प्राइमरी सेल होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं, मतलब उसमें ये सलाहियत होती है सेल्फ रिन्यूअल की एंड डिफरेंशिएटिंग एंड स्पेशलाइजिंग सेल्स, और उससे बनते हैं एक स्पेशलाइजिंग सेल। उसमें सेल्फ रिन्यूअल और कौन सी कैपेबिलिटी होती है एंड टू स्पेशल एंड डिफरेंशिएटिंग एंड टू स्पेशलाइजिंग सेल, कि वो स्पेशलाइजिंग सेल बन जाए। चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोयोसिस, एरिथ्रोपोयोसिस के दौरान सेल्स में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो हम वो यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो चेंजेस आती हैं उस सेल में जिस जो कि एरिथ्रोपोयोसिस पे गुजरता है, मतलब ब्लड आरबीसी बनता है। रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल फ्रॉम द डायमीटर ऑफ 25 to 7.2। आप देखेंगे स्टेजेस ऑफ सेल में जब मैच्योर आरबीसी बनेगा तो उसकी डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होगी, लेकिन सबसे पहले जो हम सेल लेंगे तो उसकी होगी 25 माइक्रोमीटर। एक तो ये हुई कि उसकी जो साइज है वो रिड्यूस होगी डायमीटर में, बहुत कम, 25 to 7.2 बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सेकेंड जो चेंजेस होगी ड्यूरिंग एरिथ्रोपोयोसिस के दौरान, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लोलस, न्यूक्लियस जो कि ऑलरेडी प्लूरल सिंगुलर है, न्यूक्लियस जो होता है वो आरबीसी से, मतलब उस सेल से
ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। थर्ड जो है वो अपीयरेंस ऑफ एचबी, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद नहीं होता, लेकिन जब मैच्योर आरबीसी बनता है तो उस पर हीमोग्लोबिन जो है एचबी जो है वो अपीयर हो जाता है। चेंजेस इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब एसिडिक से स्टेनिंग करता है, बेसिक से नहीं करता, तो उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म की जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी से उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं ड्यूरिंग एरिथ्रोपोयोसिस। ये कुछ चेंजेस थे जो कि एरिथ्रोपोयोसिस के दौरान होते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, आपने याद रखना है। स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस, एरिथ्रोपोयोसिस के जो स्टेजेस हैं उसको तो मैं ऐसा डिस्कस करूँगा कि इंशाल्लाह उम्र भर तक आप याद रखेंगे, अगर आपने अच्छी तरह हमारी वीडियो देखी तो। वैसे तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ऐसी भी वीडियो ना देखना कि इधर वीडियो देख और उधर गेम खेल। तो चलो शुरू करते हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस। ये मैंने एरिथ्रोसाइट लिखा है, लेकिन यहाँ पे है स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस, वेरियस स्टेजेस बिटवीन सीएफयू सेल एंड मैच्योर आरबीसीआर। सीएफयू कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्राइड्स, लेकिन उसमें ना पढ़ना बच्चों, उसमें ना पढ़ना। अब क्या है, सबसे पहले जो स्टेज है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को हम मेगालोब्लास्ट भी कहते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अ सेल इन द अर्लियर, जो कि फर्स्ट सेल होता है इन द अर्लियर, उसको हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं या मेगालोब्लास्ट भी कहते हैं। इज़ द फर्स्ट सेल, ये वो फर्स्ट सेल होता है जो कि डेराइव्ड होता है फ्रॉम सीएफसीयू, जो कि हम ऐसे बताएंगे कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्राइड्स, आपने ये याद रखना है, ठीक है। बाकी आपने स्टार्ट लेना है सेकंड स्टेप से, वेरी लार्ज इन साइज, ये जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल होता है उसकी साइज़ जो होती है वो बहुत बड़ा होती है, मतलब बड़ा होता है साइज़ जो, तो वो बहुत लार्ज होती है, विद अ डायमीटर, जो कि डायमीटर होती है अबाउट 20 माइक्रोमीटर, हमने बताया था 25, लेकिन डीप में ना जाना बच्चों, डीप में ना जाना, अगर अब डीप में जा गए ना तो बस क्या कहें। इसकी जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और डायमीटर जो होती है वो 20 माइक्रोमीटर होती है। सेकंड स्टेप पे आपने लिखना है इट्स न्यूक्लियस इज़ लार्ज, जब सेल की साइज़ बहुत ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा है, तो समझो कि न्यूक्लियस भी बहुत लार्ज होगा, एंड अकोपाई द सेल आलमोस्ट कम्प्लीटली, और उसने अकोपाई किया होगा सेल को कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, क्योंकि अर्गनील तो वगैरह तो इसमें होते हैं ना। द न्यूक्लियस हैज़ टू आर मोर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, एंड अ रेटिकुलर नेटवर्क, और रेटिकुलर नेटवर्क होते हैं, रेटिकुलर नेटवर्क तो आप जानते होंगे दागेनुमा। देन स्टेप है डज नॉट कंटेन एच बी, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो सेल्स है इसमें हेमोग्लोबिन एबसेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेसोफेलिक होता है, बेसिक, बेसोफेलिक मीन्स बेसिक, साइटोप्लाज्म जो होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स का वो बेसोफेलिक होता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मल्टीप्लाई सेवरल टाइम, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो सेवरल टाइम मल्टीप्लाई होता है, और फाइनली फॉर्म द सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज, और फाइनली एक न्यू स्टेज के लिए एक सेल बनाता है जिसको हम अर्ली नर्मोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ली नर्मोब्लास्ट। अर्ली नर्मोब्लास्ट, द अर्ली नर्मोब्लास्ट इज लिटल स्मॉलर देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 15 माइक्रोमीटर, यानी 5 माइक्रोमीटर जो कि डायमीटर होती है वो कम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अर्ली नर्मोब्लास्ट जो है वो लिटल स्मॉलर है देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से। सेकंड स्टेप पे आपने लिखना है इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियाई डिसअपियर, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियाई होती हैं वो डिसअपियर होती है, किस चीज़ में, ये भी एमसीक्यूस होता है, इन विच स्टेज न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस डिसअपियर, तो आपने कहना है अर्ली नर्मोब्लास्ट। थर्ड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, यहाँ पे लिखना है स्टार्ट, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होते वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है ये भी एमसीक्यू जाता है, तो आपने लिखना है अर्ली नर्मोब्लास्ट पे स्टार्ट होता है और इंटरमीडिएट में फर्दर होता है। द साइटोप्लाज्म इज बेसोफेलिक इन नेचर, साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी
बेसोफेलिक होता है स्टिल, इस वजह से इसको हम कहते हैं अर्ली नर्मोब्लास्ट को बेसोफेलिक एरिथ्रोब्लास्ट। ड्यू टू बेसोफेलिक साइटोप्लाज्म इस सेल को अर्ली नर्मोब्लास्ट को हम क्या कहते हैं, बेसोफेलिक एरिथ्रोब्लास्ट। फिर जो सेल होता है द सेल डेवलप इनटू नेक्स्ट स्टेज, जो कि डेवलप होता है, तरक्की करता है इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट पे, अर्ली नर्मोब्लास्ट देन इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट पे। इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट की जो सेल होती है, ये सेल जो होती है वो स्मॉलर होती हैं अर्ली नर्मोब्लास्ट से, डायमीटर 10-12 माइक्रोमीटर तक होती हैं, जबकि अर्ली नर्मोब्लास्ट की क्या होती हैं 15 माइक्रोमीटर, और जो पहली होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के 20 माइक्रोमीटर। आपने ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है बच्चों। सेकंड पे है द न्यूक्लियस स्टिल प्रेजेंट, न्यूक्लियस इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, मतलब इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट में स्टिल भी प्रेजेंट होता है। द क्रोमेटिन नेटवर्क शो फर्दर कंडेंसेशन, मैंने कहा था ना बच्चों अर्ली नर्मोब्लास्ट में कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, जबकि इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट में फर्दर कंडेंसेशन होती है क्रोमेटिन नेटवर्क की। और ये भी एमसीक्यूज आता है, इन विच स्टेप हेमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, तो आपने कहना है इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट। हेमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग देन नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, इट स्टेन विद बोथ, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेसिक और एसिडिक दोनों से, मतलब जो सेल होता है वो स्टेन होता है। द सेल इज कॉल्ड, इस वजह से हम इसको कहते हैं पॉलीक्रोमोफेलिक या पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमोफेलिक या पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ये नेम भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए बच्चों। देन डेवलप एंड टू नेक्स्ट स्टेज पर, ये नेक्स्ट स्टेज पे जो कि लेट नर्मोब्लास्ट है, ये सेल उस पे डेवलप होता है, मतलब उसकी डेवलपमेंट होती है एंड टू नेक्स्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं लेट नर्मोब्लास्ट। लेट नर्मोब्लास्ट की जो डायमीटर है वो डिक्रीज होती है फर्दर, जो कि अबाउट 8-10 माइक्रोमीटर तक। सबसे पहले जो इंटरमीडिएट को जी डायमीटर दी वो 10-12 थी, लेकिन जो लेट नर्मोब्लास्ट है 8-10 माइक्रोमीटर उसकी माइक्रोमीटर उसकी डायमीटर है, जो कि फर्दर डिक्रीज हुई फ्रॉम 10-12 से। न्यूक्लियस जो होती हैं वो बहुत स्मॉल होती है, न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल विद वेरी मच कंडेंस नेटवर्क, बहुत कंडेंस नेटवर्क जो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इस छोटे से न्यूक्लियस में। इट इज़ नोन एज इनस्पॉट न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं इनस्पॉट न्यूक्लियस, जो कि आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि लेट नर्मोब्लास्ट की जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनस्पॉट न्यूक्लियस। किस वजह से कहते हैं, बिकॉज वेरी स्मॉल एंड कंटेन क्रोमेटिन नेटवर्क, कंडेंस क्रोमेटिन नेटवर्क इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज से पहले यानी जो रेटिकुलोसाइट स्टेज है उससे पहले। द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है छोटा सा न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं इनस्पॉट न्यूक्लियस, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियस डिसअपीयर, वो प्रोसेस जिसमें ये जो छोटा सा न्यूक्लियस था ना वो डिसअपीयर हो जाए, ख़त्म हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए इस न्यूक्लियस के, तो इस प्रोसेस को, इस खूबसूरत सा प्रोसेस को हम कहते हैं पिकनोसिस प्रोसेस। आपने याद रखना है कि पिकनोसिस प्रोसेस किस स्टेज में होता है, तो आपने याद रखना है कि वो तो होता है लेट नर्मोब्लास्ट स्टेज में, जो कि न्यूक्लियस को डिसअपीयर करता है। यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है हेमोग्लोबिन की इंक्रीज होती है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो एसिडोफिलिक हो जाता है। तो आपने ये एमसीक्यूज भी याद रखना है कि इन लेट नर्मोब्लास्ट स्टेज हेमोग्लोबिन क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज, तो आपने लिखना है इंक्रीज बिकॉज यू नो दैट टर्म, एंड द साइटोप्लाज्म बिकम एसिडोफिलिक बेसोफिलिक, तो आपने लिखना है एसिडोफिलिक। सो द सेल इज कॉल्ड ड्यू टू एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म, सो द सेल इज कॉल्ड ऑर्थोक्रोमेटिक नर्मोब्लास्ट, सेल को इस वजह से हम कहते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक नर्मोब्लास्ट।
डेवलप एंड टू नेक्स्ट स्टेज, जो कि डेवलप होता है नेक्स्ट स्टेज पे, जिसे हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। फिर हम इसको क्या कहते हैं, रेटिकुलोसाइट अदरवाइज नोन एज इमैच्योर आरबीसी। रेटिकुलोसाइट को हम इमैच्योर आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो अगला स्टेप है उसमें मैच्योरिटी हो जाएगी। तो हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट को इमैच्योर आरबीसी भी, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर आरबीसी, जो कि उसकी डायमीटर जो है वो स्लाइटली मतलब बहुत कम ज़्यादा होता है, लार्ज होती है ये मैच्योर आरबीसी से। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म कंटेन द रेटिकुलर नेटवर्क आर रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म में रेटिकुलर नेटवर्क मौजूद होता है या रेटिकुलम मौजूद होता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाई रेमनेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग ऑर्गेनेल, जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जो ऑर्गेनेल उसके रेमनेंट्स से बने होते हैं, ये रेटिकुलर नेटवर्क जो के मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये भी आपने याद रखना है। ड्यू टू द रेटिकुलर नेटवर्क, जो कि क्योंकि यहाँ पे रेटिकुलर नेटवर्क मौजूद होता है, इस वजह से हम इस सेल को रेटिकुलोसाइट भी कहते हैं। द रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलोसाइट स्टेन विद सुपरवाइटल स्टेन, ये स्टेन करता है मतलब स्टेन हो जाता है सुपरवाइटल स्टेन से, ये भी आपने याद रखना, ये भी एमसीक्यूज आता है कि किस स्टेन से सुपरवाइट स्टेन होता है, तो आपने लिखना है सुपरवाइटल स्टेन। इन न्यू बर्न बीबी, जो कि पैदा होता है, तो ये अहम पॉइंट है एमसीक्यूज लिहाज से, तो आपने याद रखने हैं और लिखने भी हैं। इन न्यू बर्न बीबी द रेटिकुलोसाइट काउंट एज 2 to 6% ऑफ आरबीसी। इसका मतलब क्या है बच्चों, मतलब 2 to 6 रेटिकुलोसाइट मौजूद होते हैं हर 100 आरबीसी में, मतलब 100 आरबीसी में, एवरी 100 आरबीसी में 2 to 6 रेटिकुलोसाइट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। द नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट डिक्रीजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये रेटिकुलोसाइट की जो नंबर होती हैं वो फर्स्ट वीक के बाद कम हो जाते हैं, डिक्रीजेस होना शुरू हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, लेटर रिमेन कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट हो जाते हैं, जो भी हो आर बिलो 1% ऑफ आरबीसी, आपने याद रखना है ये भी। देन जो लास्ट है इसमें होती है फैसला, ये होता है फाइनल मैच, मैच्योर एरिथ्रोसाइट कहते हैं इस लास्ट स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोयोसिस को, क्योंकि यही हमारा मकसद था कि हम बनाएं एक मैच्योर आरबीसी या एरिथ्रोसाइट, जो कि दूसरा नाम है आरबीसी का। रेटिकुलर नेटवर्क इसमें होता है डिसअपियर और सेल बिकम मैच्योर, और सेल जो होता है वो मैच्योर होता है। आरबीसी ऑफ अटेन द आरबीसी जो होता है वो हासिल करता है अपना बाइकनकेव शेप, हम पहले भी बता चुके हैं कि बाइकनकेव शेप के कौन कौन से फ़ायदे हैं, आपने देखा है सीधा आरबीसी का लेक्चर जो कि डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। थर्ड स्टेप पे है द सेल डिक्रीजेज इन साइज, सेल की जो साइज़ होती है वो डिक्रीज हो जाती है 7.2 माइक्रोमीटर, जो कि सबसे पहले मैंने बताया था कि इसकी माइक्रोमीटर जो होती है, डायमीटर जो होती है वो कम हो जाती है 7.2 माइक्रोमीटर तक, ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट या मैच्योर आरबीसी में। द मैच्योर आरबीसी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन बट विदाउट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस को तो हम लोगों ने तबाह कर दिया था पेक्नोसिस प्रोसेस की वजह से। रिक्वायर्ड 7 डेज, ये आपने लोगों ने याद रखना है कि 7 दिन की ज़रूरत होती है फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, जो कि हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि इसको एरिथ्रोपोयोसिस के लिए 7 दिन की ज़रूरत होती है, जो कि रेटिकुलोसाइट टेक्स 2 more days, रेटिकुलोसाइट 2 hours लेते हैं टू बिकम द मैच्योर आरबीसी, तो आपने ये भी याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में आता है। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप ऐसी ही सही, क्योंकि आप समझने वाले नहीं हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।